वेल हेलो एवरीवन, फर्स्टली थैंक्स टू क्लिक ऑन माय वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों की एक बहुत बड़ी क्वेरी का आंसर देने वाला हूं। दैट इज कि अगर हम बीए प्रोग्राम को 4 साल तक पढ़ेंगे तो क्या हमको ऑनर्स की डिग्री प्राप्त होगी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी फुल ऑथेंटिसिटी के साथ विद सम ऑथेंटिक लिंक्स, ऑथेंटिक कॉन्टेंट के साथ आप लोगों को इस इतनी इंपॉर्टेंट क्वेरी का आंसर देने वाला हूं। प्लस गाइस, जो ऑनरेट करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। सो बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स या फिर कोई बीएससी प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम कर रहा है, इन सब बच्चों के लिए ये वीडियो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की जो इतनी इंपॉर्टेंट क्वेरी है मैं आप लोगों को सॉल्व करने वाला हूं। प्लस गाइस, आप लोगों के जो ऑनरेट कर रहे बच्चे हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। सो ये पूरी वीडियो देखिएगा, दिस इज गोना बी अ रियली रियली इंपॉर्टेंट वीडियो। सो गाइस, बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे मैं आप लोगों की सबसे पहली क्वेरी का आंसर देना चाहता हूं कि गाइस, क्या आप लोगों को बीए प्रोग्राम 4 साल तक करने के बाद ऑनर्स की डिग्री प्राप्त होगी। सो यस, बिग 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 यस। एंड आप सब बच्चों के लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है ये कि अगर आप लोग 4 साल तक बीए प्रोग्राम करेंगे तो आप लोगों को ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। बट प्लीज अभी से एकदम से मत क्लोज करने लगना इस वीडियो को, और डिटेल में जानिए गाइस आप लोगों को कैसे प्राप्त होगी ऑनर्स की डिग्री। एंड उसमें भी गाइस एक बहुत बड़ा आप लोगों की डिग्री में चेंज होगा। क्या होगा मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो गाइस, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बीए प्रोग्राम आप लोगों ने चूज किया है तो आप लोगों के पास 2 से 3 डिसिप्लिन होंगे। आई थिंक मेजोरिटी बच्चों के पास 2 डिसिप्लिन हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। ओके, एंड गाइस, जैसे कि जब आप लोग या फिर किसी के पास कॉमर्स हो सकता है एंड ए प्लस इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो अगर आप लोग आप जो मतलब बीए प्रोग्राम के बच्चे हैं उनको पता होगा कि उन लोगों को मेजर माइनर चूज करना होता है। तो जब आप लोग गाइस एक मेजर चूज करेंगे तो और एक माइनर चूज करेंगे, तो हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस आपने चूज किया हुआ है तो आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस को मेजर चूज किया, हिस्ट्री को आप लोगों ने माइनर चूज किया। सो गाइस, अब आप लोगों को क्या करना है ऑनर्स की डिग्री लेने के लिए, तो आप लोगों को गाइस अपने ये जो मेजर है ये 4 साल तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऑल्दो आप लोग चेंज कर सकते हैं मेजर को, लेकिन आप लोगों को गाइस ये जो मेजर होगा इसको 4 साल तक पढ़ना पड़ेगा, राइट। जब आप लोग गाइस 4 साल तक पढ़ाई करेंगे ये पर्टिकुलर मतलब कॉम्बिनेशन के साथ और एक ही मेजर अगर आप रखेंगे तो आप लोगों को आगे जाके ऑनर्स की डिग्री प्राप्त होगी। लेकिन इसमें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ा चेंज किया है। जब गाइस आप लोगों को डिग्री प्राप्त होगी ऑनर्स की, तो जो एक बीए ऑनर्स करके बच्चा ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करेगा और जो बीए प्रोग्राम करके ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करेगा उसमें डिफरेंस होगा। डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट भी है। देखो उसमें क्या लिखा होगा, जब एक बीए ऑनर्स बच्चा बीए ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करेगा उसमें लिखा होगा बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स डिग्री, राइट। लेकिन जो एक बीए प्रोग्राम करके बच्चा निकलेगा उसकी डिग्री में लिखा होगा बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स डिग्री, ठीक है, ये लिखा होगा। इंस्टेड कि आप लोगों ने किस मेजर से किया ये मेंशन नहीं होगा, आप लोगों को सिर्फ ये लिखा दिखेगा बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स डिग्री, दैट इज इट। ओके, सो गाइस ये आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग एक मेजर चूज करें और वो मेजर 4 साल तक कंटिन्यू करें जिससे आप लोगों को ऑनर्स की डिग्री प्राप्त हो। और जब गाइस आप लोगों को ऑनर्स की डिग्री प्राप्त होगी तो दोनों की डिग्री में थोड़ा डिफरेंस होगा। नाउ जो ऑनरेट कर रहे बच्चे हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। गाइस आप में से बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारी ग्रेजुएशन तो यार 4 साल की है। नहीं नहीं नहीं, आप लोगों को गाइस ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, बिकॉज आप में से मेजॉरिटी बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जिस वजह से आप लोगों को ये कंफ्यूजन है। 4 साल की ग्रेजुएशन आप लोगों की नहीं है, आप लोगों की ग्रेजुएशन 3 साल की है। जो बीए प्रोग्राम के बच्चे हैं जब उनको वो 3 साल तक पढ़ के पास आउट होना चाहेंगे तो उन लोगों को बीए प्रोग्राम की डिग्री मिलेगी। ऐसे ही जो बीए ऑनर्स के बच्चे हैं जब वो 3 साल तक पढ़ेंगे और जब वो पास आउट होंगे तो उन लोगों को बीए ऑनर्स की डिग्री प्राप्त होगी, राइट। लेकिन एक और साल क्यों लोग बोल रहे हैं, भाई आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि भाई 4 साल तक लोग क्यों बोल रहे हैं फिर। सो गाइस दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक और साल ऐड किया है जिसमें आप लोगों को रिसर्च एकेडमिक प्रोजेक्ट मिलेगा कोई, उस पर काम करना पड़ेगा, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। जब गाइस आप लोग 4th ईयर में एंटर करोगे अपने बैचलर्स में तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि आप लोगों को कुछ रिसर्च का काम मिल रहा है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, कोई एकेडमिक प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा या फिर कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का काम दे दिया जाएगा। तो जब आप लोग गाइस 4th ईयर रिसर्च एकेडमिक प्रोजेक्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कंप्लीट करने के बाद निकलेंगे तो आप लोगों की जो ऑनर्स की डिग्री होगी उसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा। उसमें लिखा होगा बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स डिग्री विद रिसर्च एकेडमिक प्रोजेक्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो ऑब्वियसली बात है जो आप लोगों को 4th ईयर कंप्लीट करने के बाद डिग्री मिलेगी उसकी ज्यादा वैल्यू होगी एज कम्पेयर टू दैट डिग्री जो आप लोगों को 3rd ईयर कंप्लीट करने के बाद मिलेगी। नाउ
आई होप गाइज आप लोगों की जो दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है इस वीडियो में सॉल्व हुई होगी, लेकिन डेफिनेटली गाइज अभी भी आप लोगों को डाउट होगा इससे रिगार्डिंग, तो मैं आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, आप लोग मेरी ऑथेंटिसिटी जानने के लिए उसको चेकआउट कर सकते हैं। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करिए टू गेट सोसाइटीज सेमेस्टर्स अपडेट्स फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स डेट्स अपडेट्स ऑफ योर पर्टिकुलर कॉलेज। मैं गाइज ट्राई कर रहा हूं कि आप में से हर एक बच्चे की हर एक क्वेरी सॉल्व करूं, प्लस गाइज आप लोगों को हर एक अपडेट दूं। मेरी स्किल्स वाली वीडियो मतलब जो 5 टिप्स वाली वीडियो है, प्लेसमेंट्स वाली वीडियो है, डू चेक इट आउट। आई होप दिस हेल्प्स यू। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।